आप सबका स्वागत है। ये मथुरा महोत्सव एक बहुत बड़ा ये एक महोत्सव करने जा रही हूँ। ये मैं कहूँगी कि भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी में पहले सांसद बनना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ, अपने आप को समझती हूँ। और जैसे मैं आफ्टर ऑल एक कलाकार हूँ, कलाकार होने के नाते हमेशा मैं यहाँ की कला, संस्कृति, परंपरा, इन सबको मैं हमेशा देखती हूँ। और इसमें मैं प्रयास कर रही हूँ कि ये जो कृष्ण जन्मभूमि है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर तो हैं, बहुत सारे लोग देश विदेश से सब आते हैं इस जगह को, इस कण कण में कृष्ण को ढूंढते हैं, देखते हैं और पूजा पाठ करते हैं और वहाँ के परिक्रमा करते हैं। लेकिन मुझे लगा सांसद बनने के बाद यहाँ पर विकास की बहुत ज़रूरत है, डेवलपमेंट इज़ वेरी मच नीडेड। सो आई थॉट कि इट हैज़ टू बी डेवलप्ड इन ए वेरी बिग टूरिज्म डेस्टिनेशन। ये करने के प्रयास है जिसकी वजह से और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे इस जगह से। दिस प्लेस कैन बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुल टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर द पीपल इन इंडिया, अब्रॉड, एवरीवेयर। सो द आइडिया इज टू हैव महोत्सव इज टू शो आवर कल्चर। ब्रज की जो संस्कृति है, कला है उसको, लेकिन मैं एक कलाकार होने के नाते मैं बॉलीवुड से जुड़ी हूँ हमेशा, तो बॉलीवुड के कलाकारों को भी मैंने रिक्वेस्ट किया इस महोत्सव में, वो भी जुड़ेंगे। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रज की कला और हमारे बॉलीवुड के कलाकार, दोनों मिलकर एक महोत्सव करेंगे, क्योंकि मथुरा में ऐसा महोत्सव कभी हुआ नहीं है, तो ये पहली बार होने जा रही है। और जिसपे जितने भी कलाकार परफॉर्म करेंगे वो लोग भी कृष्ण के ऊपर ही आइटम्स होंगे जिसको वो लोग हाईलाइट करेंगे। और मैं भी इसमें भाग ले रही हूँ। आई विल बी स्टार्टिंग द फर्स्ट नंबर एंड देन ऑल द अदर कलाकार्स जितने हैं सब पार्टिसिपेट करेंगे। जब मैंने ये शुरू कर दिया था, और मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू सुनील राणे जी एंड द एंटायर अथर्वा ग्रुप, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया और मेरे साथ हैं, इसकी वजह से मैं इसको आगे बढ़ा सकी। मैं अकेली तो ये कभी कल्पना तो कर लिया था लेकिन कर नहीं सकती हूँ, तो इनकी वजह से मैं कर पा रही हूँ। तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सुनील जी। एंड देन इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क जिसको मैंने लिया है। जैसा मैंने 11 और 12 तारीख को मैंने इसको अनाउंस किया था ये कार्यक्रम होने वाला था, तो अनफॉर्चुनेटली इतनी बारिश हुई, बिन मौसम बारिश, ऊपर से ओलेवृष्टि भी हुई, एंटायर नॉट ओनली यूपी, बहुत सारे नॉर्थ में हुई, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, बहुत सारे किसान सब जगह से पीड़ित हुए, और ऑल्सो उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही इफेक्ट हुआ। स्पेशली मैं जहाँ पर हूँ मथुरा, वहाँ के बहुत किसान लोगों को बहुत ही इफेक्ट हुए थे, सो जिसकी वजह से मुझे पोस्टपोन करना पड़ा। और पोस्टपोन करने से मैंने सोचा कि ये जो कार्यक्रम इतना बड़ा हम कर रहे हैं, इसको हम किसानों की राहत के लिए वो किया जाए। सो इट्स ऑलवेज बॉलीवुड हैज़ बीन विथ अस फॉर ए, कभी भी जब आपदा कुछ भी होती है तो दे आर ऑलवेज विथ अस। सो इस कार्यक्रम को अभी इसी इसमें पेश कर रहे हैं कि इसमें से जितना भी हम लोग इकट्ठा करेंगे उन सबको, जो मथुरा के किसान जो पीड़ित हैं उनके राहत के लिए दिया जाएगा। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल इनिशिएटिव वी हैव टेकन।
आई एम श्योर एवरीबडी विल एंजॉय दिस. काफ़ी मथुरा में बहुत ही हलचल है, बहुत खुश हैं सब लोग कि ऐसे एक महोत्सव हो रही है. और जिसे लोग नहीं आ पाएंगे, जो नहीं देख पाएंगे, उनको स्टार टेलीविजन के थ्रू उनको देखने को मिलेगा. क्योंकि आई एम सो ग्रेटफुल टू स्टार टेलीविजन फॉर स्टार प्लस, दे हैव कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट द होल थिंग. एंड विजक्राफ्ट, दोनों ने मिलके ये मुझे सपोर्ट किया, इसकी वजह से ये मथुरा महोत्सव इतने बड़े पैमाने में बन रहा है. नहीं तो हम लोग बहुत छोटे से एक कार्यक्रम कर सकते थे उधर, लेकिन ये जो इसका जो एक बड़ा शेप मिला ये इनकी वजह से. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड. मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ, अभी मैं कल जाऊँगी, उसके बाद मथुरा में जाकर वहाँ पर सब बहुत बड़ा एक हम लोगों ने एक पूरा कृष्ण की नगरी बनाई है. लगन एक 10 एकड़ जमीन में चंद्रोदय मंदिर है, वहाँ पर टॉलेस्ट टेम्पल दे आर बिल्डिंग. सो उस जगह पे हमें जगह मिला क्योंकि पूरा सिक्योरिटी की वजह से वहाँ पे करने को एक अवसर मिल रहा है. तो खुला मैदान में हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतने कलाकार आएंगे, इतने मिनिस्टर्स सब आएंगे, सब तो प्रॉब्लम होगा करके हम लोग इस जगह को चुना है. और वहाँ पे नितिन देसाई जी ने एक बहुत सुंदर सा एक कृष्ण की नगरी बनाई है, जहाँ पर आप कृष्ण के सारे एपिसोड्स हैं, जितना हो सके हम लोगों ने वो सब क्रिएट किया है. सो जो लोग आएंगे सिर्फ कार्यक्रम नहीं देखेंगे, जैसे आएंगे तो उनको एक एक ऐसा एक फील होगा कि वो कृष्ण के नज़दीक पहुँचे हैं. तो उसमें से कृष्ण का जन्म, देन कृष्ण का जो जो छोटे मोटे जो एपिसोड्स हैं एज ए स्मॉल चाइल्ड, वो सब दिखाई देगा. उसके बाद कृष्ण का जो उन्होंने कालिया मर्दन का, देन गोवर्धन, ये सब आपको जैसा जाएंगे आपको देखने को मिलेगा. और उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल टेम्पल भी बनाया है. इस सब को क्रॉस करके फिर जाके बैठेंगे, फिर वो कार्यक्रम देखने को होगा. इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट विच आई एम श्योर एवरीबडी विल एंजॉय. एंड ऑल्सो द आर्टिस्ट जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, दे विल ऑल्सो लव इट बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर देम. बिकॉज बॉलीवुड में हमेशा जो भी करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा हटके होगा. सो आर्टिस्ट ऑल्सो आई एम श्योर दे विल एंजॉय इट. और जो आर्टिस्ट आ रहे हैं एज ए गेस्ट, वो लोग भी आई एम श्योर दे विल लव इट. So I welcome all of you to come. Tourism. And this is mainly to develop tourism. Tourism इधर का विकास करना चाहती हूँ. विकास टूरिज्म को बढ़ाएंगे तो विकास होगी. तो वहाँ के जो हमेशा कहते हैं कि इतना साफ सुथरा नहीं है, साफ सुथरा होगा देन लॉट ऑफ बेरोजगारी है वहाँ ख़त्म होगी, लोगों को नौकरी मिलेगी. और मैं भी एज एन MP बहुत सारे प्लान्स मैंने किए हैं जो जो करना है वो सब इस पर एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन इसको बढ़ाएंगे तो बहुत कुछ होगा इधर, ऐसा मेरा एक मन में एक विचार है. सो आई एम श्योर दिस विल ऑल हैपन विद द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा. थैंक यू. यू वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चंस? आपके मन में कुछ क्वेश्चन है? बहुत सारे होंगे. रमेश सिप्पी जी की एक नई फिल्म में हिमाजी काम कर रही है, उससे उसको छोड़ के कुछ भी पूछिए. हाँ बिल्कुल सही है. Yes. ये जरूर पूछना चाहेंगे, आपने जो अभी तक का कंट्रीब्यूशन दिया है वो तो है ही है, क्या ब्रह्म जी भी आपके साथ आएंगे परफॉर्म करेंगे? नहीं, उन्होंने आने के लिए तो कहा है कि वन ऑफ द डे ही इज डेफिनेटली गोइंग टू इज प्लानिंग टू कम. सिंस ही इज नॉट फीलिंग वेरी वेल, सो आई एम नॉट फोर्सिंग हिम टू कम, बट ही सेड डेफिनेटली ही विल ट्राई हिज बेस्ट एंड कम. तो अभी तक आपने जो भी काम किया है वहां के लिए हाँ हाँ उन वो तो पूरा खबर रखते हैं क्या क्या हो रहा है, एवरीथिंग ही नोज. बिकॉज वो अपने भी वो खुद भी एक बीकानेर का MP बन चुके हैं, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत काम किया है जो उन्होंने पब्लिसिटी कभी नहीं किया, ये बात सही है, लेकिन बहुत कुछ किया. तो उनको एक्सपीरियंस भी है कैसा किस कैसे लोगों से कैसा डील करना चाहिए, यू नो हाउ टू व्हाट ऑल द थिंग्स वी कैन डेवलप. सो ही कीप्स शेयरिंग विद मी लॉट ऑफ थिंग्स. नहीं अभी अभी शेर और शायरी बोलने के समय नहीं है, वी हैव टू इट्स अ डिफरेंट मोड नाउ. हेमा जी, आपने कोई टूरिज्म को लेके रोड मैप बनाया है? जैसे मोदी जी वाराणसी को लेके रोड मैप बना के चल रहे हैं, घाटों को सब. हाँ जी, यस. हाँ जी, बहुत कुछ प्लान किया है और मैं मोदी जी से भी डिस्कस करती रहती हूँ.
वहाँ तो सबसे बड़ा तो ये मुद्दा ये है यमुना का शुद्धिकरण करना. इट्स इन सच अ बैड स्टेप तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन इट. तो मैं हमेशा पार्लियामेंट में भी मैंने बहुत सारे इस सवाल को उठाया है कि कैसे इसका शुद्धिकरण हो सकता है, जिसका वहाँ के मथुरा के लोग भी, वहाँ के सिटीजन्स भी बहुत ही वरीड हैं. और उन लोगों ने भी मुझे बताया कि क्या क्या करेंगे तो इसका कैसा उद्धार हो सकता है. सो हम पहला तो यमुना का शुद्धिकरण करना है, क्योंकि वहाँ के साधु संत लोग बहुत ही अपसेट हैं, बहुत पीड़ित हैं. लेकिन इसका जो सफाई जो होगी वो तो पूरा दिल्ली हरियाणा वहाँ से उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका जो गेट सब बंद किया हुआ है. यमुना इज डाइवर्टेड टू दी यू नो हरियाणा से. सो व्हाट हैपेंस, मथुरा में पानी नहीं मिलता है, इसकी वजह से तकलीफ है. और प्लस इट इज़ लॉट ऑफ थिंग्स यू नो, सूवेज वाटर इज मिक्सड इन दैट, सो मेनी पीपल आर फॉलिंग सिक, दे आर डाइंग. सो ऑल दिस थिंग आई हैव रेज्ड इन द पार्लियामेंट ऑल्सो, एंड आई एम वेरी मच विद ऑल द पीपल हु आर wanting to develop and clean Yamuna first, and then lot of roads and things are all in a bad shape. Usko theek karna hai. Aur is waqt it's a heritage center. It is a very beautiful place. Itne sundar sundar mandir hai. Aur wo sab ko zyada dhyan nahi denge to after next 50 years mein pata chalega kuch hai hi nahi udhar. So it is very important as an MP for me to take care of each and every that place of that ancient temples and all. Temples hai, kund hai, aur aise aise jagah hai Krishna ke rachaye hue beautiful leelaen sab jahan pe kiya hai, wo sab sthan aisa hai, usko sab main heritage ke dwara usko sab maintain karna chahti hu, usko trying to restore everything. Yamuna nadi ko leke to pichli government bhi kaafi kaam kar chuki hai, bahut paisa laga. Aapko lagta hai ki 5 saal mein government aapki yamuna saaf ho gayi? नहीं नहीं, 5 साल में तो नहीं हो सकते. इतने सालों में किसी ने कुछ किया ही नहीं है. इतने सालों से गंदगी फैला के रखा है इतने सालों से. तो अभी एक अवेयरनेस हुई है, सब लोग शुरू हुए हैं, तो हमारी सरकार भी आई है तो पूरा प्रयास कर रहे हैं. हमारी सरकार इसको जरूर करेंगे. और मैंने जो आपने बोला मोदी जी ने वो किया, हम सबको उनके इंस्ट्रक्शन के द्वारा एक आदर्श गाँव लेने को कहा है. उसके जैसा मैंने भी एक गांव चुना है और वो है राधा रानी का बर्थ प्लेस, इट्स कॉल्ड रावल. सो नाउ इट वाज नॉट दैट पॉपुलर, नाउ आफ्टर आई हैव टेकन इट अडॉप्टेड एज एन आदर्श गांव, सो मेनी पीपल हैव स्टार्टेड ऑलरेडी कमिंग, लॉट ऑफ टूरिस्ट हैव स्टार्टेड कमिंग. सो आई वांट टू डेवलप दैट लिटिल स्मॉल विलेज इन टू ए वेरी ब्यूटिफुल यू नो प्रॉपर प्लेस. And of course, there is a lot of berozgari hai, unemployment. So for that, I am working hard to put up some food plant and all. And a lot of things I am planning. It is all in the pipeline. And especially the roads are very bad. And then people are not having enough proper water to drink. You know, we are all living in Bombay, so everything you get here. But in Mathura, in some of the villages, they don't have water. There is even today, women have to go far away to get fetch water. So I am putting up some plants and all, so that you know, like ATM, they put the card and they get the water. So all these things are there. I have already put 2-3 of them. So many more, about hundreds, I have to put now. So this is all in the pipeline to give pure water, good road, and of course. इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पानी और इलेक्ट्रिसिटी. तो बिजली का बहुत प्रॉब्लम है, तो सोलार एनर्जी लाकर कुछ करने का कर रहा है. एंड एट रावल विलेज वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग, अबाउट 100 स्ट्रीट लाइट्स, एवरीथिंग वी आर पुटिंग थ्रू द सोलार एनर्जी. बिजली पानी रास्ता. Now, of course, Salman is one of the most popular and sought-after hero of today, and he is a wonderful person also. But unfortunately, something has happened which nobody could avoid. We are all with him, so we are only expecting a proper verdict to come for him. In Mathura, especially in the villages and all, it's you know, there is no
proper health care center, nothing is there, especially in my Rawal village, with the one which I have adopted. I'm planning to put up some small little like hospitals, and then empower women by teaching them, you know, what all they can do about their health care and all, and making one community center where women can come and then learn some a few skills, and of course for education also. Education, I'll say there are good schools are there. The children are studying very well, and in fact you will see a lot of young girls are much better than boys. You know, the girls are all studying so well. यस यस से इसके बारे में यही कहना है कि जो जब डेवलपमेंट की बात आती है और ऊपर से जब मथुरा की बात आती है, ये जो कृष्ण की नगरी है, बिकॉज कई लोग इतने श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, तो उसमें पार्टी की कोई जगह ही नहीं होती है. पार्टी से ऊपर उठकर हमें काम करना है. तो वो मैंने उनसे मुलायम जी को जब पार्लियामेंट में मिली तो मैंने कहा कि मुझे आपके बिकॉज ही उनका सरकार है उधर, राज्य सरकार मुलायम जी का है, अखिलेश जी का. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ सड़कें ऐसी है विच कैन बी डन ओनली थ्रू यू, आपके आपकी सरकार के थ्रू ही हो सकती है, तो आपकी मदद चाहिए. तो उन्होंने इमीडिएटली ही सेड वॉट एवर इट इज़ यू प्लीज टेल मी. So I gave a list of roads which has to be developed immediately. So he has agreed, and then he has already started the work also. So I am very grateful to him. He is a wonderful person. और farmers के लिए आपने specially उनको क्योंकि आपकी संसद में आप आवाज उठा सकते हैं, तो उनको ले गए थे. उनके लिए किस किस तरह के problems solve कर रहे हैं मोदी जी और आपकी government? जो अभी जो हाल ही में जो जब हमारा जो announcement हुआ कि मथुरा महोत्सव, और उसके बीच में जब ओलावृष्टि एंड देन दैट अनटाइमली रेन की वजह से इतना इफेक्ट हो गया था, तो इमीडिएटली आई वेंट देयर. आई स्पेंड अबाउट 3-4 days इन ऑल द विलेजेस. अबाउट एक एक दिन में 20-20 गांव में गई थी और सबके किसानों को मिली, और उनका जो प्रॉब्लम्स है उन सबको देख कर आई. और कई लोग बेचारे सुसाइड भी कर लिया उनके घर में या शॉक में, ना उन्होंने जब देखा कि पूरा उनका जो खेती खराब हो गई है, तो उस शॉक में भी कई एक दो बेचारे सब गुजर गए. तो उन सबके फैमिली में मिलकर आई, और इमीडिएटली मैंने अखिलेश जी से भी कहा कि आपको इमीडिएटली आपको सरकार को मुआवजा दे देना चाहिए, जल्दी से शुरू कर दीजिए. और वहाँ वित्त मंत्री जो है हमारे अरुण जेटली जी, उनसे भी कहा, तो उन्होंने भी सबने आगे बढ़कर जो मुआवजा किसको देना चाहिए उसको डबल कर दिया गया है अभी. और उसके अलावा भी कई लोग हैं बहुत ही इन ए वेरी वेरी बैड शेप. सो मेरा ये मकसद है इस महोत्सव के जरिए जितना भी मैं धन इकट्ठा करूं, अब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत खूब मिले. और मैं चाहूँगी जो यहाँ पर देख रहे हैं टेलीविजन वो भी कुछ धन दें, तो वो मैं चाहूँगी कि वो गरीब किसानों को मिले जो they are really in a bad shape, उन सबको मैं पहुंचा सकूं इस धन को. सी मोदी जी कभी अपने फायदे के लिए कोई करेंगे नहीं, उनको कोई फायदा की जरूरत भी नहीं है, वो अकेले आदमी हैं. और इतने ब्यूटीफुल उन्होंने गुजरात को जो डेवलप किया उसको एक पूरा एग्जाम्पल है. तो उन्होंने जो भूमिकरण की बात जो कही है वो उन्होंने हमेशा यही हमेशा गरीबों के लिए हित के लिए किया, और किसानों के लिए कभी अगेंस्ट तो वो कर ही नहीं सकते हैं. और हमारी भी बीजेपी पूरे जो है हमेशा किसानों के साथ है. जो जो लैंड एक्विजिशन के बारे में कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, उन लोग जो कह रहे हैं कांग्रेस वाले. बट वॉट हमारी सरकार जो कह रही है परफेक्ट है, एकदम किसानों के हित में कर रही है. तो ये गलत फहमी फैलाया जा रहा है हर जगह की बीजेपी सरकार ऐसे कर रही है, सबका किसानों का भूमि को ले लेंगे, यू नो अपने फायदा के लिए कर रहे हैं. ये बिल्कुल सही नहीं है. किन की बात? मोदी जी की. हाँ, मोदी जी की मन की बात आता है उनका.
हाँ जी सब तक पहुँचे, आप तक पहुँचे, इस तरह से उसे पहुँचाना चाहते हैं। But see, it's so beautiful. A prime minister is trying to talk to a common man. He's trying to talk and then understand, which I don't think any PM has ever done it, such a kind of a thing. So he's personally talking and personally wanting to understand each one, each and everyone's problems. So who else will do such a thing? So it's a hats off to Modi ji for what he's doing. People should appreciate it instead of talking back. TRP बढ़ गया है। Yeah, I know that. कभी रेडियो में कभी प्राइम मिनिस्टर आके बात करता ऐसा हुआ ही नहीं जो कर रहे हैं। It's a new thing which he has started. I think we should appreciate it. That's it. मेरा से अंकित दोना ना ना। अमित कम अमित। कम कम इस तरह में जी खड़े हो गए जीनिया वेर यू आर लुकिंग खुर्चा काढून देखिए मथुरा महोत्सव जो होता है ये हमेशा एक खुशी का एक माहौल होता है। एवरीबडी फील हैप्पी, एंटरटेनमेंट होता है और ये महोत्सव इसीलिए किया गया। लेकिन जब ये करने का जब अवसर आया उस वक्त एक बिन मौसम बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो गया कि हमारे किसान भाइयों को, तो ये हम कैसे देख सकते हैं। तो हमारे जितने भी बॉलीवुड के कलाकार पहली बार ये महोत्सव में मथुरा में इतने बड़े इतने काफ़ी कलाकार आने वाले हैं जो कभी हुआ ही नहीं है, उसके लिए तो एक्साइटमेंट है लोगों में। लेकिन हमने सोचा हमारे किसानों के लिए क्या है, तो ये पूरा जितना भी इस कार्यक्रम के थ्रू आके देखेंगे, एंजॉय करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू कलेक्ट सम फंड्स। जो भी फंड इकट्ठा होगा वो किसानों के राहत के लिए दिया जाएगा। मैम आप जो भी इनिशिएटिव लेते हैं तो लोकल पीपल का कितना सपोर्ट रहता है आपके इनिशिएटिव में वहाँ के? दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। शुरू में तो वहाँ के लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन जब ये आपदा ऐसी आई तो परेशान थी कि वो देख रहे थे कि मैं क्या करने वाली हूँ, या मैं कैंसिल करके चली जाऊँगी या क्या करने वाली हूँ। तो हमारे टीम के लोग और हमारे साथ स्टार टीवी हैं, स्टार प्लस हैं और हमारे विजक्राफ्ट के लोग हैं, तो हमारे पूरे टीम ने कहा कि इसको हम एक किसानों के लिए करना चाहिए इस कार्यक्रम को, क्योंकि इतना आर्टिस्ट को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। वो लोग आ रहे हैं, हमारे ब्रज के कलाकार भी परफॉर्म करने वाले हैं और बॉलीवुड के लोग भी आ रहे हैं, तो इसको एक अलग शेप दिया, तो दिस होल थिंग इज गोइंग फॉर किसान। बॉलीवुड के स्टार्स को बुलाने वाले हो आप, तो उनका क्या रिएक्शन था इस इनिशिएटिव के बारे में सुनकर? उनको बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि हमेशा ही बॉलीवुड के लोग जब भी कोई भी कलामिटी होती है तो हमेशा आगे आके उन्होंने मदद की है। सो दिस इज वन ऑफ द अनदर वन इन ब्रज, सो इट इज गुड। नहीं, द प्रॉब्लम वहाँ पे क्या है, जो महिलाएं जो गांव में रहते हैं, विलेज में, इन रूरल एरिया, द प्रॉब्लम इज विद देम। लेकिन द प्रॉब्लम इज उनको मालूम ही नहीं कि वो ऐसे एक जीवन बिता रहे हैं, उनको इतना मालूम नहीं है कि इससे भी बेहतर जी सकते हैं। उनको ये इसका एहसास पहले दिलाना है, क्योंकि आप एक अच्छे घर में रह सकते हैं, जैसे मोदी जी कह रहे हैं एक टॉयलेट तो होना चाहिए, उनके घर में टॉयलेट नहीं है। सो दे आर लिविंग बिकॉज वो पहले से ऐसे होता आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट किया हुआ है।
तो हमें उनको एम्पावर करा के उनको सब सिखाना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके आपके हाथ में क्या क्या स्किल्स हैं, आप उसको यूज़ करो और अपने आप में आप खड़े रहने के लिए एक सक्षम बनाइए अपने आप को. बिकॉज एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, हेल्थ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑल दीज आर ऑल लिटिल लेस इन विलेजेस. थैंक यू. कई सांसद अपनी जगहों पे जाते ही नहीं है, क्षेत्र में जहाँ से वो एमपी बने हैं उनके लिए क्या नसीहत देना चाहेंगे जो कभी जाते ही नहीं है, बहुत कम ही ऐसे हैं. वो उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए एक नया एक न्यू एक्सपीरियंस है. सो आई वांट टू एक्सपीरियंस एज एन एमपी मैं क्या क्या कर सकती हूँ. तो ये एक एक्साइटमेंट है मुझे कि मेरे क्षेत्र में मैं जाती रहती हूँ, मिलती रहती हूँ. ये लोगों ने पहले सोचा था कि ये एमपी बनने के पहले तो आएगी नहीं, लेकिन मैं तो इतनी जा रही हूँ कि वो लोग दंग रह जाते हैं. उन एक्चुअली द पीपल हु आर लिविंग इन मथुरा में जो रह रहे हैं उनको, कई लोगों को मथुरा के आजू बाजू में देर आर अबाउट 500 विलेजेस, उसमें उन लोगों के क्या समस्या उनको कुछ नहीं मालूम है. बिकॉज दे आर लिविंग इन मथुरा, दे आर वेरी हैप्पी. बट आई एम द वन एज एन एमपी आई गो ऑल अराउंड बिकॉज आई एम, पूरा मेरा क्षेत्र है, मुझे जाके सब देखना पड़ता है. तो मैं आई एम एक्सपीरियंसिंग वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. सो बड़ा अच्छा है. आई एम एंड आई एम देयर फॉर नेक्स्ट, अभी तो एक साल हो भी गया है और 4 साल में मैं बहुत कुछ कर दिखाना चाहती हूँ. थैंक यू.